तेजस्वी ने ठाना है 2024 में पलटू राम और मोदी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित महागठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित हो रही है। इस रैली में भाग लेकर लोकतंत्र के सारथी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करें। तेजस्वी यादव जी ने ठाना है 2024 में भाजपा को भगाना है। आइए इसी संकल्प और विश्वास के साथ आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में हम लोग भाग लें। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेजस्वी। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा के कर्माटार में रेल दुर्घटना में हुई मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इरफान अंसारी ने रेल दुर्घटना के लिए रेलवे को जिम्मेवार ठहराते हुए मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं घायलों को रेलवे 20 लाख रुपए मुआवजा दे। रेल हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। इस घटना से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। परिक्षेत्र में मातम छा गया। सूचना मिलते ही मैंने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन को जानकारी दी। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से मांग करूँगा कि उक्त परिवार को 50-50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल लोग हैं उनको 20-20 लाख रुपया का मुआवजा सरकार जल्द से जल्द दे, ये मेरी मांग होगी। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के पास कसियाटाड़ हॉल्ट के पास एक रेल हादसे में लगभग 3 लोगों की जान गई है और कई लोग लापता हैं, ऐसी सूचना मुझे मिल रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है, दुखदायी घटना है। इस घटने से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। लोग हमारे सदमे में हैं। मैं अभी जामताड़ा के लिए मैं निकल रहा हूँ। मैंने जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं तुरंत जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन से मेरी वार्ता हुई और मैंने युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम करने को कहा है, मदद करने के लिए कहा है और कैसे लोगों को चिन्हित करने का मैंने निर्देश दिया है। घटना घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, इसकी लापरवाही है, इसकी जांच करने का भी मैंने निर्देश दिया है। फिर से मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी घटना है मेरे क्षेत्र के लिए। मैं कल इस मामले को सदन में भी उठाऊंगा और हर संभव मैं उस परिवार को मदद करूंगा, जितना हो सके मैं परिवार को मदद करूंगा। किसकी जान गई है, कौन कौन है, किनके क्या क्या नाम है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जैसे मुझे डिटेल मालूम चलेगा मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।